नमस्कार, मैं अनीता राय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ तीसी ओरी की रेसिपी, इसे अपने डाइट में शामिल करें। ये तीसी यानी अलसी और मसूर की दाल से बनाया जाता है और इसे अपने खाने में, रोज़ के खाने में शामिल करें। ये बहुत ही हेल्दी है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और ये है तीसी, जिसे हमारे यहाँ तीसी बोलते हैं और बहुत सारे जगहों पर इसे अलसी बोला जाता है। और ये है मसूर की दाल, और ये मसूर की दाल में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं और ये तीसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है और जिससे हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। चर्म रोग में ये बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ ये बहुत ही दाल को, आइए कैसे बनता है इसे देखते हैं। इसमें दाल को हम, मैंने 500 ग्राम दाल लिया है जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और इसे 2 बार धोकर इसे वॉश करके अच्छी तरह से, और इसे इसका वॉश किया हुआ पानी निकाल कर और फिर साफ़ पानी डालकर उसे ढक देंगे और रात भर भिगो कर छोड़ देंगे। और रात भर भिगोने के बाद हमें सुबह में इसे फिर से अच्छी तरह से धोकर और इसे साफ़ कर लेना है और उसके बाद हमें इसे छानकर मिक्सी में पीस लेना है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, इसे खाना चाहिए, खाने में बहुत ही फायदेमंद है। और इस तरह से दाल को हम पीस लेंगे। और ये है अलसी, ये हमने 750 ग्राम लिया है। अगर आप चाहें तो आधा 500 ग्राम ये और 500 ग्राम ये भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये अलसी को थोड़ा ज़्यादा लिया है, इसे हमने 750 ग्राम लिया है और दाल को हमने 500 ग्राम लिया है। और इस तरह से अलसी को हमें धोना है, इस अच्छे साफ़ अलसी देखकर बाज़ार से ख़रीदें ताकि इसमें कोई गंदगी ना रहे। साफ अलसी रहने पर इसे पानी में अच्छे से धोकर और इसे छन्नी के ऊपर छान कर रखते जाए, और छन्नी के ऊपर छान छान कर रखने से इसमें अंदर में तो मिट्टी अगर है तो उसे वो नीचे बैठ जाएगा। और अब पीसे हुए दाल में ये धोए हुए अलसी को हमें डाल देना है, और डालने के बाद हमें इसमें कुछ मसाले डालने हैं। मसालों में हमने लिया है अजवाइन और काली जीरी, 1 चम्मच अजवाइन और काली जीरी मिलाकर ले लिए हैं, और 1 चम्मच हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और एक और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए इसे ढक कर छोड़ दें, और छोड़ने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सब एक जैसा हो जाए। इसे उसके बाद ढक कर इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, और तब तक हम तैयारी करते हैं, धूप में चलते हैं। धूप में एक प्लास्टिक पे या चादर, पुराने चादर पे इसे छोटे छोटे उंगलियों की सहायता से छोटे छोटे तीसियोरी बनाते हैं इस तरह से। और इस तरह से बनाते हुए हमें इसे दिन भर का धूप दिखाना है। दिन भर के धूप में ये अच्छे तरह से सूख जाएगा और इसे निकाल कर फिर एक आध दिन और धूप दिखा दें
और ये अच्छे तरह से सूखने के बाद इसे एक कंटेनर में भर के रखें। ये सालों तक ख़राब नहीं होता और इसे जब भी बनाना हो तो थोड़े से निकाले और बना लिए। और देखिए इस तरह से हमने सारी तिसियोरी बना लिए हैं और ये धूप में सूखने के लिए डाल दिया गया है। और ये इस तरह से ये सूख जाने के बाद अब इसे हम प्लास्टिक से निकाल कर इसे चाहे तो थोड़े से धूप और लगा सकते हैं। और उसके बाद ये कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालकर इसे भूने और भूनने के बाद ये बहुत ही करारे और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है।